हेलो स्टूडेंट, मैं लाया हूँ आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लॉ महाराष्ट्र बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये आपके लिए पूरे सो केमिस्ट्री का पूरा 16 का 16 चैप्टर और पूरा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लॉ। तो पहला है हमारा हेनरीज लॉ। इट इज स्टेट दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो ये देखो, इसका एस सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें कॉन्सेंट्रेट लगाएंगे यहाँ पे। ये है सॉल्युबिलिटी, एस यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन मोल लीटर पर, पी प्रेशर ऑफ द गैस, कॉन्स्टेंट हेनरीज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट। इसका यूनिटी आप लोग देख लो, इसको अच्छे से याद कर लो। इसमें याद ही करना और कुछ नहीं करना बहुत आसान है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। रॉल्स लॉ, द इट इज स्टेट दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट इज मोल फ्रिक्शन इन द सॉल्यूशन और डायल्यूशन लॉ। द डिग्री ऑफ द डायल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड एंड बेस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट इज इनिशियली कॉन्स्टेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट डायल्यूशन। देख लो, इसको अच्छे से याद करो बच्चे लोग, एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, पूरा आ भी सकता है इसमें से। द किर्चॉफ्स लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट मैग्नीशन ऑफ आयन एट द इनफाइनाइट डायल्यूशन ईच आयन मैग्नीशन इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स को आयन एंड द मैक इट इज ओन कॉन्स्टिट्यूशन टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ द nature of other ion with the which of it is associated Rett's law. The ion experimentally determined the equation which explains the rate of the chemical reaction. Terms of the molar conductivity of the reaction is called Rett's law, the first law of the thermodynamics. Yeah, hamara first law thermodynamics. The energy of the universe is constant. Dusra hai, the total internal energy of an isolated system is constant. Tisra, energy is neither created nor destroyed and can only be converted from one from another. His law of the constant heat emission, the total amount of heat evolution or the absorbed in a reaction is same whether the reaction takes place in one step in number of steps. Video अच्छी लगी तो like करो और अपने friends के group में share करो. Faraday first law of the electrolysis. The amount of substance heat the undergo the oxidation or reduction at each electrode during the electrolysis is the directly proportional to the amount of the electricity that the passes through the cell. ये देखो, इसका है ना एग्जाम्पल है, ये है, इसको भी देख लो एक बार। द ब्लू है वेट ऑफ द सब्सटेंस liberated or the deposited in kg, q a quantity of the electric passed in coulombs, z electrochemical equivalent of the substance in kg, I है current in ampere, t है time in second. ये है फ्रेडे का second law of the electrolysis. When the same amount of electricity is passed through the different cells that connecting different electrolytes and arranged in the series, the amount
of substance oxidized are the reduced at the respective electrodes are directly proportional to the two chemical equivalent masses are equivalent weight of the substance into deposited upon weight of the sub y deposited इसके इक्वल में इक्विवेलेंट मास मास ऑफ एक्स इक्वल अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ वाई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, इसका पूरा पीडीएफ और भी इम्पोर्टेंस है वो भी मिल जाएंगे आपको। ओके।